नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे धार्मिक नगरी मानिक चौक के शनिदेव मंदिर पर शनि जयंती के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हो गया है और इसके तहत प्रथम दिवस यहां पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से शनि जयंती के उपलक्ष्य में मानिक चौक में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ किया जा रहा है और इससे पहले कलश यात्रा में बैंड बाजे पर बजते हुए भजनों के बीच पीत वस्त्र धारण करे हुए महिलाएं पूरी तरीके से भक्ति रस में सराबोर होकर सिर पर कलश धारण करते हुए आगे बढ़ रही थी। कलश यात्रा का शुभारंभ मेयर प्रशांत सिंघल, विधायक मुक्ता राजा और कपिल कैटर्स के कर कमलों से संपन्न हुआ, जबकि इस दौरान यहां पर पूर्व मेयर शकुंतला भारती भी मुख्य रूप से उपस्थित रही। सूत्रों की माने तो शनिदेव के कार्यक्रम की इस वर्ष रजत जयंती है, तो ये कार्यक्रम और भी ज्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें आज गुरुवार से 6 जून तक श्रीमद् भागवत कथा होगी। कथा के प्रथम दिवस कलश यात्रा के आयोजन में यहां पर कृष्ण गुप्ता, बाल किशन वार्ष्णेय, वरुण केबल और संजय पीतल मुख्य रूप से मौजूद रहे। शोभा यात्रा भव्य एवं ऐतिहासिक रही। यहां पहली बार इतनी भव्य और ऐतिहासिक इतनी महिलाएं थी इकट्ठी 200 कलशों के साथ और कम से कम 200 महिलाएं और साथ लगभग 400-500 महिलाएं एक साथ चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसका वृंदावन में भागवत हो रही हो। यहाँ पर शनिदेव जयंती के उपलक्ष्य में हर साल भागवत कथा होती है। इस बार जो भागवत कथा हो रही है वो दो बच्चे वृंदावन से आए हुए हैं, एक बालिका और एक बच्चा है, जो भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। और इस भागवत कथा का आयोजन आज से शुरुआत होकर 5 तारीख तक चलेगा और 6 तारीख को भंडारा होगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है इसका यहाँ पर भी देखें और अपने घर बैठकर भी आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। किस तरह का आयोजन किया गया आज? ये शनि महोत्सव बनाया जाता है जो वास्तव में मानिक चौक क्षेत्र वासियों की वजह से शनि जन्मोत्सव मनाया जाता है। कृपा ठाकुर जी की आज विशाल कलश यात्रा निकाली गई, इसका शुभारम्भ शहर विधायक मुक्ता राजा, हमारे मेयर साहब किसान सिंगल जी द्वारा उद्घाटन हुआ और कपिल कैटर्स परिवार द्वारा प्रसादी एवं उनके द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। वास्तव में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और धूमधाम से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें राधा संकीर्तन वालों का कीर्तन चला साथ में और बहुत विशाल कलश यात्रा निकला निकली। भागवत कथा का आयोजन आज से प्रारंभ है, 5 तारीख तक चलेगा, 6 तारीख का विशाल भंडारा है। कलश यात्रा निकाली गई कहाँ से, कहाँ तक निकाली गई? ये शनि मंदिर मानिक चौक से निकाली गई, होली चौक होती हुई आगरा रोड होती हुई मदार गेट होती हुई हवाई मंदिर में होती हुई कली कालिया मानिक चौक मंदिर का ही आकर्षण समापन है। देखिए आज शनि महाराज जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष में विगत वर्षों की बात इस पर हुई, लच्छो भाई साहब द्वारा ये कार्यक्रम भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज विशाल रूप में देखने योग्य भक्तों की कलश यात्रा निकली है। आपने देखा होगा कि ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर कहीं मथुरा वृंदावन है तो यही मानिक चौक में है, अगर कहीं बरसाना है तो यहाँ मानिक चौक में है। इतना सुंदर दृश्य देखने के लिए मिला और कहते हैं कि जहाँ पर कृपा ठाकुर जी की हुई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। मैं केवल इतना कहना चाहूंगी कि जहाँ पर ठाकुर जी की कृपा होती है वहाँ वास्तव में भक्ति का रस बरसता है। आज प्रभु के चरणों में बस यही कहेंगे, हे ठाकुर जी, जिस तरीके से हर वर्ष ये भागवत कथा का आयोजन होता है, इस वर्ष भी बहुत तेजी से बहुत बढ़िया तरीके से ये भागवत कथा का आयोजन। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। हिंदी पत्रकारिता का आजादी के दौर में विशेष योगदान रहा है, चाहे देशभक्ति से जुड़े हुए प्रकरण रहे हों या समाज हित परक व्यवस्थाएं अथवा लोकतंत्र के अन्य 3 स्तंभों को सचेत करने का कार्य हिंदी पत्रकारिता ने हमेशा ही एक नई अलख जगाई है। ये विचार हिंदी पत्रकारिता दिवस पर होटल धीरज पैलेस के सिटी क्लब में आयोजित संगोष्ठी में व्यक्त करते हुए विधान परिषद सदस्य डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कही।
राष्ट्रहित में लोकतंत्र के चारों स्तंभों के संगोष्ठी संयोजक पंकज धीरज ने कहा कि आज के आधुनिक मोबाइल फोन के दौर में हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी काफी सुधार की आवश्यकता है। हिंदी की शब्दावली और शब्द विन्यास को ध्यान में रखते हुए समाचार लेखन और प्रसारण करने की बहुत आवश्यकता है। संगोष्ठी में देवेंद्र पाल सिंह, वीरेंद्र अरोड़ा, राकेश बघेल, माधव शर्मा, राहुल गुप्ता, कामिनी आदि के अलावा अन्य लोग उपस्थित रहे। पत्रकारिता का विषय भी और हिंदी का विषय दोनों ही विषय, क्योंकि जब हम हिंदी पत्रकारिता की बात कर रहे हैं तो दो विषय हो गए, हिंदी भी हो गया और पत्रकारिता भी। आप सब लोग पत्रकार हैं तो ये भी ध्यान में होगा हमारा सबसे पहला पत्रकार कौन था। सृष्टि के नारद जी हमारे पहले पत्रकार थे। तो नारद जी का काम क्या था, यहाँ की सूचना पा देना। सूचना निदेशक का काम उस समय के सूचना निदेशक नारायण जी थे, नारद जी थे और आज के तंदीप संदीप जी है। तो सबसे पहले तो आप सब पत्रकारों को बहुत बधाई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी आप अपने में संभाल के रखना चाहिए था, उनको भी वो कम लोगों को सूचना दिए। मेरा लगभग सभी पत्रकार साथियों से, अब मेरी थोड़ी सी सहभागिता पत्रकारों के साथ कम हो गई है, लेकिन पहले तो बहुत थी। जब हम छात्र जीवन में थे तो बहुत एकदम भोले मिले रहे। अब थोड़ी व्यस्तता के कारण आर पी शर्मा जी, ये तीन ही चार पत्रकार थे पहले अलीगढ़ में, आज तो 250 हो गए। पहले 3-4 थे, एक तारिक साहब थे, अब तो कम दिखते हैं। पीटीआई था दिख रहे हैं, हमारे कमल जी थे, आर पी शर्मा जी थे, निर्मल जी थे, निर्मल जी, दीक्षित जी हैं, ऐसे ये 5-7। और तब लोग अगर समाचार को 90 के दशक में जानते थे तो वो आज ही को जानते थे, दूसरे दिन के समाचार पत्र को जानते थे। अरे जागरण और उसकी ख्याति वो बहुत पीछे थी। और उस समय वहाँ हमारे विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में ही आज का अखबार सुरेंद्र अग्रवाल। आज यहाँ हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आयोजक पंकज धीरज जी ने इसका आयोजन किया और इसमें पत्रकारिता से जुड़े, इसमें न्यायपालिका से जुड़े, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े और कार्यपालिका से जुड़े, ऐसे सभी लोग उपस्थित रहे। प्रथम पत्रकार नारद जी से लेकर और वर्तमान के पत्रकारों तक इसमें चर्चा हुई। इसमें देश के अंदर चल रहे राजनीतिक विषयों की भी चर्चा हुई, पत्रकारिता के इतिहास की भी चर्चा हुई, हिंदी पत्रकारिता की 158वीं जयंती है उसके विषय में भी चर्चा हुई। तो उस सब चर्चाओं में मैं सारे पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता के रूप में बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। मेरा आग्रह है पत्रकारिता के सब स्तंभों से कि पत्रकारिता होनी चाहिए तो उसका एक उद्देश्य होना चाहिए और पत्रकारिता का उद्देश्य देश हित होता है। हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में भी अनेक आंदोलन चलाने वाले हमारे पत्रकार साथी बंधु थे। कई विषय ऐसे होते थे जब पत्रकारों के विषयों के आधार पर पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता की अग्नि प्रज्वलित होती थी। आज भी ऐसे हमारे अनेक पत्रकार हैं जो जब ऐसा देश हित का विषय आता है तो अपने कैमरा को नीचे करके और वह देश हित के निर्णय में सहभागी बनते हैं। मैं उन सब पत्रकारों को प्रणाम करता हूं
और आप सब यहाँ आज सारे अपेक्षित पत्रकारों से भी ये मैंने प्रार्थना की है कि देश हित के अंदर हमारे तमाम जो विषय हैं उनको उठाने का काम करें, राजनीतिक शुचिता के लिए काम करें, कार्यपालिका के अंदर आए बदले वातावरण के प्रति भी वह सक्रिय रहकर काम करें। हम न्यायपालिका को भी उठाने का प्रयास करें कि अगर वहाँ कहीं कुछ गड़बड़ है तो उसको ठीक करने के लिए एक दिशा निर्देश और उनसे आग्रह करने का भी प्रयास करें। साथ ही हम नकारात्मक पत्रकारिता को छोड़कर और सकारात्मक पत्रकारिता की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारे पत्रकार बंधु भी इसमें आगे बढ़ेंगे, देश का मान सम्मान बढ़ेगा, देश हित आगे बढ़ेगा। और देश अगर जीवित है तो हम सब लोग रहेंगे, अगर देश इसमें कहीं प्रभावित होता है तो सबकी अपेक्षित परिणाम हम सब लोगों को भी भुगत सकते हैं। तो इसलिए देश हित को आगे रखते हुए पत्रकारिता के लोग अपना काम करेंगे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैंने 1980 से पहले पत्रकारिता दिवस होता ही नहीं। मैं तो एक शिशु था उस वक्त पत्रकारिता का, तो यहाँ पर ठाकुर प्रसाद सिंह जी सूचना निदेशक होते थे, वैसे ही वरिष्ठ पत्रकारों के बीच में बैठे थे, बोले कुछ होना चाहिए पत्रकार दिवस, बोले क्या होना चाहिए, बोले पहला हिंदी अखबार जो निकला था 30 मई 1826 को उसको हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाए तय हो गया। अजीत भाई थे पायलियर रूप से, नहीं पायलियर में टेनिस था तो साफ हो गई था, नरेंद्र मुख्यालय पे हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मनाया गया। हैदराबाद से समोसे आई, लस्सी आई, कुछ मिला के स्टार्टिंग हिंदी पत्रकारिता दिवस की हो गई। सूचना विभाग इसके लिए धन्यवाद का पात्र। अब आते हैं असली बात, हिंदी पत्रकारिता। मैं समझ रहा हूँ यहाँ जितने भी मेरे साथी बैठे हैं शायद ये नहीं बता पाएंगे हिंदी में कितने अल्फाबेट यानी अक्षर होते हैं। हमारी कांग्रेस सरकार ने हमारे बाबर अक्षर में से 4 अक्षर निकाल के फेंक दिए, काका कालिदेकर समिति बनी थी उसमें से 4 निकाल दिए, क्योंकि जो मेरी एज के होंगे 68 के 66 के वो जानते होंगे गीता प्रेस गोरखपुर से हिंदी बाल ज्योति आती थी किताब पढ़ी थी, उसमें 52 अक्षर होते थे। 52 अक्षर जिससे पढ़े हैं वो जानता है कि हिंदी में कितने अक्षर होते हैं। आप केवल स्कूल में आपको 48 अक्षर पढ़ाए आपकी हिंदी की काम कर। आज से 50 साल पहले आज जो लाइट है ना घर में लैंप हुआ करती थी, लाइटें हुआ करती थी, जब उसकी रोशनी मध्यम हो जाती थी तो उसकी बत्ती काटी जाती थी, जब बत्ती कट जाती थी उसको फूल काटना कहते थे और फिर रोशनी ज़्यादा होती थी। पत्रकारिता का जीवन भी ऐसा ही है, जब तक वो अपना बलिदान नहीं देता समाज के लिए जब तक वो जो है क्रांतिवीर नहीं कहलाता, उसके अंदर देवत्व होता है। देवत्व कैसे होता है, समाचार भी एक तरह का साहित्य है, साहित्य वो कहलाता है जिसमें सभी लोगों का हित समाहित हो, इसलिए पत्रकार भी सभी का। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना अतरौली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम फजलपुर में भीषण गर्मी के चलते 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला शांति देवी पत्नी गंगा प्रसाद निवासी ग्राम फजलपुर की भीषण गर्मी के चलते हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं अचानक हुई मौत से परिजनों में शोक का माहौल उत्पन्न हो गया है। आपकी पति का क्या नाम है? ये मृतक महिला आपकी कौन है? मेरी मैया साहब। ठीक, कैसे खत्म हुई, क्या हुआ? अचानक ही हो गई। कपड़े आज धोए उन्होंने? तो क्या अटैक जैसी स्थिति बनी, क्या हुआ? ऐसा ही लग रहा है, झांग सा है। तो घबराहट हुई है। तो आप यहाँ लेकर आए हो अतरौली के सीएससी में? हाँ, सीएमसी में लेकर। तो यहाँ डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दिया ना? नहीं, ट्रीटमेंट नहीं दिया, चेकअप किया। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह नाम है, गांव फजलपुर। आपके पिता का क्या नाम है? श्री गंगा प्रसाद। किस गांव को रहने वाले हो? फजलपुर गांव। ये क्या मामला हुआ, कौन है ये मृतक? एक घंटा पहले नहाई धोई अपने आप, कपड़े धोए अपने आप, खाना भी खाया, तुरंत घबराहट हुई है। क्या नाम है आपकी माता जी का? शांति देवी। शांति देवी, अब यहाँ कहाँ लेके आए हो इस जगह? ये सरकारी हॉस्पिटल में लाए थे यहाँ।
तो यहाँ मतलब आई है तो सांस थी इनमें? नहीं, यहाँ मुझे लगा रास्ता में ही सांस रह गया, डॉक्टरों ने इन्होंने मना कर दिया। डॉक्टर ट्रीटमेंट नहीं दे पाए? नहीं नहीं दे पाए। हमने कहा था कि अलीगढ़ ले जा, क्या ना अलीगढ़ तो बात ना। अब कहाँ ले जा रहे हो? अब घर ले जाएंगे। इनकी आयु कितनी होगी लगभग? आयु 65 के आसपास, 65-70 के बीच में। तो ये गर्मी के कारण हुआ सर? जी, गर्मी का कारण लग रहा है। आज सुबह सही थी? बिल्कुल सही, सवेरे खाना खाया, अपने आप नहाई धोई है, अपने आप कपड़े धोए हैं उन्होंने और धोल फिर रही हैं। यहाँ कितनी देर पहले आए हो आप? हमने आधा घंटा हुआ है यहाँ आए हुए। अच्छा, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट देने से पहले ही मृत घोषित कर दिया? नहीं, चेकअप किया उन्होंने। अच्छा ठीक है, चेकअप किया डॉक्टर साहब, चेकअप करने के बाद बोले कि भाई इनमें कुछ नहीं है। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।